नमस्ते भाई लोग, सलाम अलैकुम, हैप्पी दीपावली ऑल माय फ्रेंड। तो दोस्तों, आज हम मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ सऊदी अरबिया से, जो नया ड्राइवर आना चाहता है ड्राइवर में। तो देखिए, यहाँ पर जो है अभी 4 बज रहा है, पूरा रोड खाली खाली मिलता है। भाई है अपना ड्राइवर है, कहाँ से है भाई आप? हेलो भाई फ्रेंड, नखलाऊ से है मैं। कहाँ से कुछ बताइए, नए ड्राइवर आने वाले हैं इसके लिए। ड्राइवर आने वाले हैं, मुश्किल है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंडिया से तो अच्छा ही है। और सर, कितने सैलरी में आना चाहिए? नया बंदा है तो 1400-1500 की सैलरी में आएगा। नया बंदा है तो 60,000-50,000 रुपये लगेगा। और पासपोर्ट SNR है तो उस बंदे का, और जिसका SCR है उसका, जिसका SCR है उसका 50-60,000 लगेगा, जिसका नहीं है तो 80,000-85,000 लगेगा उसका। और 1-1 लाख लगा के आता है, वो भी दिक्कत है ना। फर्जी है, है ना, नहीं लगा के आना चाहिए। यहाँ पे तो दिक्कत ही है कि नहीं, यहाँ पे फंस जाएगा, फिर बोलेगा कि भाई मुश्किल है। हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, 1400 मेरे को मिलता है दोस्त, 7 महीना हो गया। तो मैं वीडियो बनाया हूँ, देख ही चुके होंगे क्या 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 काम करना पड़ता है, सब वीडियो बनाया हूँ लाइसेंस के बारे में, हो गया दोस्त। और क्या बताऊँ, यहाँ आइए, खाली ड्यूटी करिए, और यहाँ के कोई त्यौहार से मतलब नहीं है ना। और टिकटॉक वीडियो बनाइए, देखिए भाई टिकटॉक वीडियो बनाता है और मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। तो भाई टिकटॉक का वेबसाइट बताओ, फॉलो करेगा आपको मोहम्मद तौफीक भाई, जिसको टिकटॉक पे डालना है ये डालो आईडी पे। हाँ, ये देख लो भाई, इसका आईडी है, इसको आप लोग फॉलो करिए, है ना। क्या है, मोहम्मद तौफी। हाँ, ये भाई से फॉलो करिए और इससे बात करिए, ये भी जानकारी देता है कुछ ना कुछ टिकटॉक पे, है। यूट्यूब पहले बनाया था मैंने। अच्छा, देखिए हमारे बाजू में जो घर उर है, ये सब नज़ारा है। और ख़ास करके यहाँ पे ज़्यादा कोई पब्लिक नज़र नहीं आ रहा, देख रहे हैं में अपना बैठिए आराम से। 4 बज रहा है, हम लोग चाय भी पिए हैं आराम से आए हैं घूमने के लिए। अभी थोड़ा जाएंगे बाहर तो आपको दिखा देते हैं। एक गाड़ी है यहाँ पे, कितने का है भाई? 3 करोड़। हाँ, तो एक गाड़ी दिखाएंगे जो 3 करोड़ का है, इंडिया का 3 करोड़ 30 लाख कुछ है। इंडिया का है 3 करोड़ 75 लाख। 3 करोड़ 75 लाख ना, बेंटली। तो गाड़ी दिखाएंगे कैसा गाड़ी हो रहा है 3 करोड़ 75 लाख का, भी है ही नहीं, यहीं पे आने वाला है, हम दिखा देंगे आपको। देखिए दोस्त, लाइसेंस का तो वीडियो हम बना ही चुके हैं, बार बार नहीं बनाएंगे, भले आप देख लीजिए कि लाइसेंस ऑफिस कैसा होता है वीडियो सब, और लाइसेंस के लिए पुर्जा उर्जा कैसा होता है, क्या क्या सिस्टम। देखिए लैंग्वेज का बात हो गया, तो लैंग्वेज जो है लाइसेंस के लिए आपको लगेगा कौन कौन सा लैंग्वेज में पेपर देता है। मेरे पास है, हिंदी में है, और हिंदी देता है, और तमिल, तमिलनाडु का जो होता है वो लैंग्वेज का देता है, और हिंदी तमिल, और एक देता है बंगाली। बंगाली अगर आपको आ रहा है तो बंगाली में कंप्यूटर टेस्ट जो होता है तो पुर्जा जी देता है, तो एक बंगाली में देगा, और एक जो अपना लैंग्वेज होता है उर्दू, तो उर्दू में देता है। तो 4 लैंग्वेज और एक इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आता है, जैसे अपना केरला तरफ का ज़्यादा लग का हिंदी नहीं आता है तो वो लोग ज़्यादा इंग्लिश ही लेता है, जैसे फिलिपियन, तो वैसा तो अपना लोग में इतना भाषा का जो है देता है। तो आपको जो भाषा चॉइस अच्छा लग रहा है
वो किताब ले लीजिए, जैसे बताई दिया 4-5 लैंग्वेज होता है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली, बस। तुम्हारे तो हिंदी लिया था दोस्त, कोई दिक्कत नहीं यार, डरने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आओगे। लेकिन यही होता है, घर अच्छा मिलना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं। बोले नहीं यार कि इसको कभी गाड़ी नहीं चलाई, वो लोग भी आया होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब कुछ हो जाता है मेंटेन। खाली घर अच्छा मिले, कपिला अच्छा मिले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्त, मैं बता दिया हूँ वीडियो में यह सब जानकारी। और जैसे एक बात ये भी बता देता हूँ, मेडिकल होगा, जैसे आप लाइसेंस बनाइएगा, अगर आपका लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप लिखा होगा, ओके दोस्त, ये भी बात बता देता हूँ, देख लीजिए आपका अपना अपना लाइसेंस अगर आ रहा है इंडिया से, तो उस पर ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, मेडिकल चार्ज है 120 रियाल। 120 रियाल मतलब इंडिया का हो गया 3000-2000 के आसपास हो गया दोस्त, ठीक है। तो सब कपिल ही भरेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली यही होगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, उसके लिए लाइसेंस जो यहाँ का बनेगा तो उस पर ब्लड ग्रुप जो लिखाएगा, ए प्लस बी जो भी है। मेरा भी मेडिकल हुआ, ब्लड ग्रुप नहीं था लाइसेंस पे, अगर ब्लड ग्रुप है लाइसेंस पे तो यहाँ पे मेडिकल नहीं होगा, आपका डायरेक्ट लाइसेंस में प्रूव होता है। पहले आइएगा तो मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट आएगा, उसके मेडिकल में फिर आँख का भी चेकिंग करता है कि जैसे सामने कुछ रख देगा आपको देखने को बोलेगा, तो आप ए बी जो भी है, वाई एस टी जो भी आपको दिख रहा है वो बता दीजिए। ये दो चीज़ होता है कंप्यूटर टेस्ट। अब ब्लड ब्लड कैसा लेता है, वही उंगली से लेता है, इधर मारेगा, आपका ब्लड चेक कर लेगा, तुरंत रिपोर्ट दे देगा, तुरंत दे देता है रिपोर्ट, और तुरंत आप लाइसेंस ऑफ ही जाइए। यहाँ पर कोई भी काम ये नहीं है अपना, ये आज दिए तो कल, ये सब ऐसा सिस्टम नहीं, तुरंत जाइए, तुरंत हो जाएगा दोस्त, ब्लड ग्रुप जो है वो आपका लाइसेंस पे आ जाएगा। ये मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो, क्यों लेता है ब्लड ग्रुप, कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपका ब्लड ग्रुप का जो आदमी रहेगा तुरंत खून दे के आपका काम हो जाएगा, इसके लिए दोस्त लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप रहता है, ओके दोस्त।